सत्यनारायण आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपके अनालोचित निर्णय से आप किसी से जानकारी किए नहीं, संसद में आप चर्चा नहीं किए। आपके निर्णय से करोड़ों युवताओं के भविष्य कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए युवता पूरा आंदोलन के रास्ता में जा रहा है। आप ये वापस ले लिए कानून, अगर ये कानून लाना है पहले चर्चा करो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, असेंबली में, पार्लियामेंट में पहले चर्चा करो, चर्चा के बाद लोगों का दिल जीतो, उसके बाद ही ऐसे काला कानून के बारे में आप सोचना। ऐसे वैसे काला कानून लाए तो हम लोग काम उछ नहीं बैठने वाले। आप केस लगाओ, जेल को भिजाओ, कुछ भी करो, हम लोग तैयार है, करोड़ों लोग युवा तैयार है, हम लोग जाके जेल में बैठेंगे। मोदी इतना ही सोच रहा है, हमको 300 के ऊपर लोकसभा में गधे हैं, ये गधों को सामने रख के हम बिल पास करवा लेंगे। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, जब किसान के खिलाफ काला कानून आप लाया था, यही 300 गधे आपके साथ था, मगर लाखों किसानों दिल्ली आसपास में 16 महीना वहां पर बैठा हुआ है, 700 लोग शहीद हुए, फिर भी आपको आगे नहीं जाने दिए, आपको झुकना पड़ता है, आप लोग झुकाएगा, माफी मांगना पड़ेगा, ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग आपको छोड़ते नहीं, आप कहीं भाग नहीं सकते। आप समझ रहे हैं कुछ चाहिए तो हम ये देश वो देश दूसरे देश में घूमता रहेगा, कभी कभी फुर्सत मिले तो हिंदुस्तान आएगा, ये लोग कब पकड़ने वाले हैं। मोदी जी याद रखो, 1.5 साल में चुनाव आने वाले, आप कहीं पर भी नहीं भागेगा, फिर दोबारा भीख मांगने के लिए हमारा मोहल्ला में, हमारे बस्ती में आना पड़ेगा, तब आपको जो थप्पड़ मारना है वो थप्पड़ मार के दिखाएंगे, आपको याद दिलाएंगे आपके वजह से हमारे युवताओं का भविष्य कितना सर्वनाश हुआ, वो सर्वनाश के लिए आप जवाब देना पड़ेगा। हम लोग तब तक लड़ाई जारी रखेगा। मित्रलारा, नेनो कम